नमस्कार, मेरी यासुद्दीन अहमद, आप लोग देख रहे हैं द फार्मेसी वॉइस। आज 11वां दिन, 11th डे पार हो रहा है। यह हमारा जो रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है, लेकिन ये मैं नहीं बोल रहा हूँ युद्ध के बारे में। मैं दूसरा बात करने के लिए जा रहा हूँ, द वेस्टर्न गोदी मीडिया के बारे में बोल रहा हूँ। ये जो आप BBC देखेंगे या पूरा CNN देखेंगे, जो भी है, और उसी से हमारे इंडिया का गोदी मीडिया चलता है, रिटार्ड जो भी है, ये सारे मीडिया जब ये अफगानिस्तान में जो युद्ध हो रहा था, तो नाटो ने ये टेररिस्ट को अटैक किया, हमारा नाटो ने इसको तबाही कर दिया, ये देश को ख़त्म कर दिया, लोगों को मार रहा है, ये ऐसा बोल रहे थे। इराक में हमारे नाटो ने, हमारे फौजों ने ये पूरा देश को, ये जो लोग हैं इन लोगों को तबाह कर रहा है, देश को तबाह कर रहा है, ये हमारे सक्सेस आ रहा है, नाटो ने ये हमला कर दिया देश को सेकुलर बनाने के लिए, ये सब बोल रहे थे। उनका जो तबाही हुआ है वो अच्छे काम थे। इराक को तबाह करो, वो बोला अच्छा है। और यही अभी रूसी ने कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है? अब इराक को अगर रूस ने सपोर्ट करता, लोगों को अगर हथियार देता, तो शायद और इंटरनेशनल कोर्ट में उसको फांसी के सजा, अरे जो बाद में क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला। तो यही होता है, ये गोदी मीडिया जो है, वेस्टर्न गोदी मीडिया, उसी से इंडियन गोदी मीडिया भी चलता है। तो एक्चुअल जो है, हर खुद को बचाने के लिए, मैं नहीं मानता कि ये युद्ध होना चाहिए, लेकिन मेरा पड़ोस में जो देश है, नेपाल है, नेपाल हमारे ऊपर चलता है, कोई वीजा नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता, इंडिया में आता है, ट्रीटमेंट लेता है, हमारा मेडिसिन उसमें जा रहा है, सब कुछ हमारे से चल रहा है, और वो अगर चाइना का सामान रख के हमारे की तरफ उंगली करना चाहे, तो हम क्या करेंगे, हम छोड़ देंगे? तो यही बात है। तो ये पूरा अपना देखता है, पूरा वेस्टर्न गोदी मीडिया है, ठीक है ना? मैं तो झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो ये नहीं सुनना है, ये सब एक ही है, उसका फायदा के लिए, पूरा देश को अकेला काबू करना, लीडरशिप चाहिए अमेरिका को। अरे किसी को अपना वो खुद को बचाने के लिए भी तो हक होता है ना, और वो भी पावरफुल कंट्री है, उसके पास सब कुछ है, इसलिए वो भी तो करेगा ना। अब जहाँ मन जाओ अपना, अपने देश में वो खुद को बचाना है, इसीलिए क्या है, मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन ये लड़ाई जो है, ये यूक्रेन के बीच में वो बलि का बकरा बना है, उसको समझना चाहिए था, अभी भी वक्त है, उसके साथ अपने ढंग से रहे लोगों को। वो मैं देखा बहुत सारे युद्ध होता है, तो हाँ नुकसान तो होता ही है, लेकिन उसी में फ़ायदा है। बाकी जो देश है वो एक ही कंट्री था, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये सब पार्ट ऑफ इंडिया हम बोल सकते हैं। तो ये इंडिया के साथ रहना, एक साथ जुड़ के रहना, ये आम लोगों का, हम लोग चाहते हैं, हम जो ये एशियन ये सब कंट्री चाहते हैं कि हम एक साथ रहें। हाँ पॉलिटिक्स है, पॉलिटिशियन नहीं चाहते एक साथ रहने के लिए, उनका अपना अपना फ़ायदे का बात है पॉलिटिक्स करना, इसीलिए। लेकिन इसमें आम लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए, वो भी ध्यान रखना चाहिए, देश को नुकसान नहीं होना चाहिए, वो भी ध्यान रखना चाहिए। इतना बोल के मैं यही ख़त्म करता हूँ। और गोदी मीडिया का बात मान के उसके आप भी चिल्लाना नहीं चाहिए, मैं ये युद्ध बहुत जल्दी ख़त्म होना चाहिए, वो हम भी चाहते हैं कि आम लोग मरना नहीं चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।